हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में आरपीएफ कॉन्स्टेबल के एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात करेंगे। अगर दोस्तों आपने अपना फॉर्म डी जून से भर रखा है तो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, आपके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। फ्रेंड्स आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, हम इस वीडियो में इसके बारे में सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरे वीडियो में बने रहेगा। अगर आपको फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका जैसे मैं नाम लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है आरपीएफ एडमिट कार्ड। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। फिर नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आरपीएफ रिक्वायरमेंट। दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप दोस्तों ये साइट जो देख रहे हैं आरपीएफ की, ये फ्रेंड्स ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में देखिए आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नीचे कॉल लेटर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जून वाइज एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने सी आर जून से भर रखा है तो भी आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आपने ई आर या सी ई सी आर एस सी आर से भर रखा है तो आप ग्रुप सी पे क्लिक करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्रुप डी का बता रहा हूँ, ठीक है, डी जून से। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉल लेटर लॉगिन। आपको दोस्तों कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता हूँ अभी। दोस्तों ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से भरें आप, ठीक है, कुछ मिस्टेक ना करें। और दोस्तों नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इतना फिलअप करने बाद दोस्तों आप देख रहे हैं लॉगिन, आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रजिस्टर नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका रोल नंबर क्या है दोस्तों वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, दोस्तों नेम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऊपर देखिए यहाँ पे साइड में कॉर्नर में प्रिंट कॉल लेटर, आपको प्रिंट कॉल लेटर पर क्लिक कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कॉल लेटर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर देखिए फ्रेंड्स सिक्योर नंबर, रजिस्टर नंबर, ठीक है। आपका नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, जो आपका सेंटर है, ठीक है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स कौन से आपके शिफ्ट में पेपर होना है, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया गया है, उसका फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों डेट ऑफ एग्जाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका जो सेंटर है फ्रेंड्स कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, वहाँ से कितनी दूर है, ये सब कुछ आपको इस कैलेंडर में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने शिफ्ट में आपका पेपर कन्वर्ट किया गया, आपका टाइमिंग क्या रहेगा पेपर के लिए, और दोस्तों आप कितना टाइम दिया जाएगा, आप यहाँ पे आराम से देख सकेंगे हर एक बात। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। दोस्तों इस रिलेटेड मुझे कोई भी न्यूज़ चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपका जवाब फ्रेंड्स पक्का दूंगा। अगर दोस्तों आप एस एस सी जी डी और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अन्य आप किसी गवर्नमेंट की जॉब की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।